अस्सलाम वालेकुम, सफीनाज लिविंग की तरफ से आप लोगों को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। सॉरी फॉर द डिले इन मेकिंग वीडियोस। सो दिस इज़ आफ्टर मे बी 2.5 मंथ ऑफ डिले मैं दोबारा वीडियो बना रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। सो टुडे वी आर मेकिंग पीनट बटर कुकीज़। यू कैन नेम इट वट एवर यू वॉन्ट टू। सो इसके बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट हैं और आज की रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी बेटी आज लाइबा मेरे साथ हेल्प आउट कर रही है इस रेसिपी में। सो लाइबा इज़ हियर विद मी। सो यू कैन हियर आवर वॉइस। सो ओके जी, अब चलते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट की तरफ जो कि बहुत थोड़े से हैं। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। सो लाइबा, आप मुझे ये जो पीनट है हम इसको 30 सेकंड के लिए वार्म करेंगे माइक्रोवेव में। सो बेटी ये मुझे करके दे दो और इसके बाद फिर हम जो बटर है इसको भी वार्म करेंगे 30 सेकंड के लिए अगेन माइक्रोवेव में। इन द मेन वाइल जब से हम इसमें ये पीनट फ्लावर जो है होममेड ये हम ऐड कर देते हैं। सो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास जो 4 टेबलस्पून पीनट है ये हमने गरम कर लिया। अब आई एम गोना पोर दिस इन दिस बोल। जो बटर है हमारे पास ये मेल्ट हुआ हुआ ये हम इसमें डाल देंगे। ये जो चीनी है हमारे पास 2.5 टेबलस्पून, अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो आप वो भी डाल सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। देखें ये हो गया। अब सो ये हम जो हमारा बैटर है ये हम इसको सारा इस मोल्ड में डाल के, ठीक है ना। सो ये स्पैचुला बेस्ट है एंड थैंक यू अंबर फॉर दिस स्पैचुला। माय सिस्टर अंबर शी गेव इट टू मी टू रिकॉर्ड माय वीडियोस। ये हमारे पास आपको नज़र आया होगा इस तरीके से ये रेडी है। इसको मैं फ्रिज में रखूँगी तकरीबन 1 आवर के लिए, ये ठंडा हो जाएगा। तो हम माइक्रोवेव में मेल्ट करके जब ये जम जाएगा थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो हम इसके ऊपर पोर करेंगे और उसके बाद एंड पर हम इसमें ये लवली चॉप पीनट जो हैं ये हम इसके ऊपर गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये व्यूअर्स आपको नज़र आ रही होगी। सो ये लाइबा कितनी देर की आपने? 1 मिनट। अब इसको हम जल्दी से इसके ऊपर पोर करेंगे। आप इसको जल्दी जल्दी से इस पर पूरे उसमें फैला दीजिएगा, स्प्रेड कर दीजिएगा। इस तरीके से हमने इसको कवर कर दिया है और ये स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो ये इस तरह से हमारी ये फाइनल इसका लुक आ गया। ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूंगी ताकि ये ट्रफल चॉकलेट जो है इसका अच्छी तरह इस पर सेट हो जाए, फिर मैं आपको इसको कट करके इसकी प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। लाइबा, आप इसको ट्राई करके बताएं। गिव स्मॉल पोर्शन टू माय डॉटर, शी लव्स पीनट बटर। सो डिलीशियस, वेरी गुड। चॉकलेट के जो पर ट्रफल है दैट इज द अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस रेसिपी। सो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें ठीक है। सो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी अपनी अगली रेसिपी के लिए और मेरे लवली व्यूवर्स से जो कि मुझे ऑलवेज सपोर्ट करते हैं, आप सब लोगों से एक और फेवर मुझे चाहिए। मेरी अम्मी की हेल्थ के लिए आप ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। वो बेटर हैं बट शी इज़ स्टिल इन द हॉस्पिटल। सो आप अपने रिश्तों का ख्याल रखते हैं और रखना भी चाहिए हर एक को। जब भी आपको मौका मिले हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये आपके रिश्ते हमेशा आपके साथ नहीं रहते। सो उसको इम्पोर्टेंस दिया करें जो भी आपके लव्ड वंस हो। चलिए ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू मेक यू सो सैड अबाउट माई स्टफ। सो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह आपके साथ फिर एक नई रेसिपी शेयर करूँगी। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिर्दोनवा में रहने वाले लोगों का ख्याल रखिएगा,
अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ देखना नसीब करे, अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुमान में रखे, अल्लाह ताला हम सबको अपने रहमतों के साए में रखे। आमीन सुमा आमीन। लव यू ऑल, टेक केयर गाइज़, अल्लाह हाफिज़।